आपको सुनाई नहीं रही तो मैं मर गई गाली दिया है पुसराज वो कोटेदार का नाती मेरा भाई के धोती छीन लिया इनता नाम तो मैं छुटा के भागा कि मैं गोली दाया हूँ तो आप आदमी का तो मैं तुम फिर बताऊँ। राजपुर थाना का एक केस सामने आया जहाँ पे गोबराउगंज महिला की कलदरिया का आरोप है कि यहाँ का कोटेदार ने कभी गला नहीं देता और गला ना देने पे हम लोगों को मारपीट करता और गाली गलौज देता घर में घुस के। तो ये लेकिन घटना जैसे 18 तारीख की थी और राजपुर थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तब से अभी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। क्या घटना कारण मुझे दीदी घटना यह है कि मैं अपने आदमी के गोली लिए गए कि कोलिया में मुही छेंक के मुही गाली दिया कि तब मेरा शिकायत करती है जदाइन लुच्ची बेकम्मी हरामिन जदाइन चम कहे बीसन छो कहे उतार के कहे मारोगे तो मखा दादू हो गदे लह गरिया ले फिर मैं चली हूँ मखा अच्छा मैं गोली दवा दे हूँ अपने आदमी का तो फिर मैं तो ही आवत हूँ लौट के गाड़ी का नवत्ता दे हूँ मैं चली आई अब मैं रिपोर्ट कर दिए दीदी हैं दवा दे के मैं अपने आदमी का आई हूँ मैं रोया गाया सगला थाना मारो अवर रो सक मैं चली आई हूँ मेरे साथ कोई न लगा तो मैं रिपोर्ट कर दिया हैं रिपोर्ट कर दिया दीदी तो का कहते मुहिम का कहते कह के तो मेरा शिकायत करती है अब मैं थाने गए मेरा का तो सुनाई नहीं है हैं अब मैं सीओ को लगे गए दरोगा के लगे गए एप्लीकेशन सगला दिया हियाँ आयूँ कर भी आयूँ देखो हुआ दिनों बहन जी हन का सगला मोरा कोई सुनाई नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ मैं आगे फांसी लगा के मर जाने अपने घर में हो गई दीदी गाड़ी दिए है कि ते मेरा शिकायत करती है वीडियो बना के नहीं तुम मेरा सगला कोटा के नाव से मेरा एफआईआर करती हो दीदी कब से कोटा नहीं मिला रहा मुझे तो 4 साल से नहीं मिला था राशन कार्ड बना राशन कार्ड बना तो कटा है कट गया है देखो रात के गहाय उन्हा पैसा दिए हो 500 रुपया 500 दिया है राशन ऑनलाइन करा कर तो सरकार से मैं रोवा कि साहब मुही का कहते गल्ला नहीं मिला तो मैं 500 रुपया दें मैं कहे बढ़िया मैं तुम्हें कब गल दीने हो मैं कहा दादू तुम्हें दीने हो ऑनलाइन क्या तो जब मुही नहीं देते यही तो मैं रोई हूँ ना सरकार से मैं अधिकार है मैं लड़ा था तो मुही इतने मैं गाड़ी दी है रात के गा जब राइना उठा दस्तखत करवा कह ले उठा दस्तखत कर नियाई रात के मौसा करी खुलाई से जब राइन 11 बजे रात के दो आदमी का भतीज तो कब से ऐसे कोटेदार कर रहा है एक कोटेदार तो जब से 40 साल कोटा हो गया 40 साल में यही दिन करते रहेगा पर हम आज तक शिकायत न की जो गाड़ी दी तो शिकायत की तो कोई सुनाई नहीं हमारा कोई कहाँ कहाँ शिकायत करे अब राजापुर गए आज कर भी आवा हियाँ सगल जितने अधिकारी के बताएं सबके लगे गावा तो कोई वह नहीं कहते चलो हम फिर भेज रहे हैं राजापुर भाई गल्ला लेंगे तो कहीं है तुम जा ऊपर वाय से ले आओ तो ऊपर वाय से हम ले थी तो कहे हमें पीछ पा रहा गाड़ी कह देते हैं हमें गाड़ी का दुखा है और हमें कोई दुख नहीं हमें गल्ला का किस चीज का पर्ची काटते हैं कितने काटते हैं तो 10 रुपया पर्ची ले थे अब मशीन से काटन नहीं हाथे से लिख दे थे मशीन दस्तखत भर करा लीन अंगूठा धरा लीन हो गया गल्ला नहीं देता जो मर्जी है जो दई दे तो दई दे नहीं कही जाओ गल्ला चुग गया दोबारा दे अब फिर दोबारा उद मिलते नहीं फिर जाऊँ ये आई तो वही का दे ही हो गया नहीं गल्ला देते यही तो भारी हमारी इज्जत क्यों लेते हैं तो इसलिए साहब हम हर जगह जाते हैं कहीं हमारी सुनाई होती है और हम घर में बेड़ के सारे गद्यालन को सब लोगों को आग लगा देंगे कि गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनती कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो हमारी अपनी जान दे देंगे तो कितने दिन से आप परेशान हैं शासन प्रशासन का अभी तक आप लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई ये हमारी 7-8 रोज की बात हो गई भाई अब हमने जो ये गाड़ी दे दिया तो हमको याद आई कि भाई अब गल्लो नहीं देता हमारी इज्जत भी लेता है समझौता कर दरोगा ये कह रहा है आप क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि उसको जेल हो कोटा चला जाए जब ये जानकारी को लेके मैं एसपी साहब से बात की तो एसपी साहब का कहना है कि ये केस हमारे संज्ञान में है राजापुर सीओ जांच कर रहे हैं जांच के आगे कार्रवाई होगी मामला
कि सही है या गलत है, जो कह रहे हैं कि महिला को मारपीट किए हैं, गाली गलौज दिए हैं। नहीं, ये तो देखिए पूरा सिद्ध हो चुका है, ये बेबुनियाद है, आरोप लगाया जा रहा है। मेन मैटर कोटा का है, अब फिर देखिए महिला का राशन कार्ड भी नहीं बना, आप भी जानते हैं। वो राशन कार्ड 5 साल पुराने हैं, जब मशीनें आ गई तो नई व्यवस्था, नए राशन कार्ड सब जारी हुए हैं, उनमें ना हम प्रधान थे ना कोटा के हाथ में इतना पावर होता है कि भाई वो अपने से राशन कार्ड किसी का जारी कर दें। ये सब विभागीय मामला होता है, प्रधान की मर्जी से होता है। तब कोटा की किस्मत देखिए उतारना तो गलत होता है ना भाई, हम पे आप कोटा की किस्मत क्यों उतार रहे हैं। और फिर इनसे मैंने 500 बार कहा भी कि आप ऑनलाइन तो करवाइए, पहले इंस्पेक्टर के पास मैं चलूंगा, फूड इंस्पेक्टर के पास आपको लेकर के बात करूंगा। गांव के एक आनंद प्यासी लड़का है, आप शायद जानती होंगी, आनंद मिश्रा, वो 3-4 बार इनका ऑनलाइन भी करवाया, फिर पता नहीं क्या इनके आधार कार्ड में कमी होने की वजह से फिंगरप्रिंट स्कैन ना हुआ, वहाँ पे सबमिट नहीं किया गया, हमारा स्टॉक नहीं बढ़ाया गया। तो ये सब मामले पता बहुत बड़े स्तर के हैं, हमसे हट के हैं। एक बात जो लोग कह रहे हैं कि रसीद काटते हैं हाथ से, अब 10 रुपए लेते हैं। नहीं, 10 रुपए वाली बात बेबुनियाद है। एक भी मशीन पूरे प्रदेश में अभी तक किसी को मुहैया नहीं कराई गई। हम लोग चार्जर मशीन में लगा करके काम करते हैं, नहीं अगर चार्जर ना लगा तो मशीन स्विच ऑफ हो जाती है। किसी भी कोटेदार से पूछ लिए कि मशीन की क्या हालत है, मतलब झेल रहे हैं। पर्ची काटने का नियम नहीं है, पर्ची काट के अगर कोई किस प्रकार की है, जब तक उसका मैं इंस्पेक्शन नहीं कर लूँगा तब तक इस संबंध में कुछ कह नहीं पाऊँगा। रिफाइंड नहीं आया मेरी जनपद में, 40% रिफाइंड आया है, अभी बहुत कोटेदार बकाया है और इसलिए उनका वितरण भी रोक दिया गया है, और इसीलिए कार्डधारक हो सकता है कि इस संबंध में कोटेदारों की शिकायत करते हैं, उसमें कोटेदार की जबकि इसमें कोई त्रुटियां नहीं रहती हैं, तो इस तरह की बातें आ रही हैं। और जैसे ही मिट्टी रिफाइंड ऑयल आ जाएगा और हमारे जनपद में वितरण शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी माय की दिक्कत है थोड़ी। लेट हो गया है, लेट हो गया तो लाभार्थी हर जगह है, जब कोटे जब वितरण ही बंद है तो लाभार्थी होंगे, परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा देर हो गई है इस महीने के तेल ना आने के कारण, और कोई दिक्कत नहीं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।